वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन बी पी एस अकेडमी माई नेम इज आशीष गर्ग सो टूडे वी आर स्टार्टिंग दिस डी टी प्लस बी ए सीरीज इसके अंदर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे डी टी प्लस बी एग्जाम में जो पूछे गए हैं वी विल बी मेनली सींग द टेक्निकल क्वेश्चन ओनली आपको पता है इसके अंदर टू हंड्रेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें हंड्रेड क्वेश्चन टेक्निकल और हंड्रेड क्वेश्चन नॉन टेक के रहते हैं सो वी विल डिस्कस ओनली दोज हंड्रेड क्वेश्चन यू कैन डाउनलोड दिस पी डी एफ ऑफ दिस क्वेश्चन पेपर फ्रॉम माई टेलीग्राम चैनल एज वेल आप टेलीग्राम चैनल से यह डाउनलोड कर सकते हैं पी डी एफ यदि आपके पास नहीं है माई टेलीग्राम चैनल इज वी प्लस यू अकेडमी वी प्लस यू अकेडमी आप यहां से ये डाउनलोड इजिली कर सकते हैं फर्दर इन क्वेश्चन को करने से आपको ये आइडिया हो जाएगा कि इसका लेवल कैसा है एग्जाम का जेई ए का जो पेपर है ये किस लेवल का है या आपका ये गेट के लेवल से मैच करता है या फिर आई के लेवल से मैच करता है बेसिकली इसमें टाइम बैरियर होता है जो भी टेक्निकल क्वेश्चन होते हैं हमें पता है हंड्रेड क्वेश्चन हैं टेक्निकल जिसमें फाइव डिसिप्लिन में वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं जिसके अंदर ट्वेंटी क्वेश्चन हर एक डिसिप्लिन के अंदर होता है जिसके कारण ये ट्वेंटी टू फाइव हंड्रेड क्वेश्चन इन टोटल आपके बनते हैं हमारा एम है ट्वेंटी क्वेश्चन हर एक वीडियो में कवर करूँ मैं कम से कम टाइम में और मुझे होप आई थिंक आप सबको आइडिया होगा टेक्निकल का थोड़ा बहुत जो मैं बताने वाला हूँ एक्सप्लेन मैं भी करूँगा लेकिन आई थिंक आपको थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए यदि ये आपको समझना है टेक्निकल पेपर सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट विद द टेक्निकल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ डी ट्री डी ट्रिपल एस बी ए ही बाई द वे दिस पेपर वॉज हेल्ड ऑन द ट्वेंटी सिक्स ऑफ सेप्टेंबर ट्वेंटी ट्वेंटी वन दिस ईयर द पेपर वॉज शेड्यूल्ड ऑन सेवन सेप्टेंबर ट्वेंटी ट्वेंटी वन फर्स्ट क्वेश्चन आई हैव बेसिकली मैंने इसके जो अंसवर्स हैं जो अंसवर्स है मैंने वो इसके छिपा दिए हैं ताकि आप लोग भी मेरे साथ ही सोल्व करें इन क्वेश्चन को सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन इट इज गिवन डैट इन अ डबल रिविटेड ज्वाइंट क्या बोला है डबल रिविटेड ज्वाइंट इफ दिस इज अ प्लेट एंड दिस इज अनदर प्लेट now here we have cover plate this is another cover plate this is another cover plate so if there are two rivets here it is said that double rivet double cover butt joint here also one more rivet

तो आपको बताया यदि यहाँ पर पी लोड लगेगा तो इसको रजिस्टर कराने के लिए ये दो बोल्ट्स जो लगे हैं वो लोड रजिस्टर कराएंगे तो कैसे कैसे रजिस्टर कराएंगे इफ दिस इज फर्स्ट बोल्ट लाइक दिस नाउ इफ पी लोड इज एक्टिंग नाउ हेयर इज ऑल्सो अनदर बोल्ट इसमें मिस्टेक क्या होती है मैं वो भी बताऊंगा आपको यूजुअली क्या मिस्टेक करते हैं बच्चे जब आपका पी लोड प्लेट के ऊपर एक्ट होगा तो यहां पर भी एक लोड जनरेट होगा जो यहाँ पे ये आपका हो गया पी लोड या हो गया आपका पी लोड तो इस पर रेजिस्टेंस जो जनरेट होगा इस डायरेक्शन में और ऊपर वाले में इस डायरेक्शन में जनरेट होगा इसका रेजिस्टेंस इस डायरेक्शन में इसका इस डायरेक्शन में होगा सिमिलरली हेयर ऑल्सो आप क्या देखोगे यहां पर P बाई फोर लोड जब एक्ट करेगा हर एक पॉइंट के ऊपर तब आपको यहां पर P लोड इन टोटल मिलेगा मतलब क्या है P बाई फोर यहाँ पे लोड P बाई फोर यहाँ पे P बाई फोर यहाँ पे और P बाई फोर यहाँ पे तो ओवरऑल क्या बनेगा P लोड हमें गिवन है जो शेयर है जो रिवेट में जो शेयर आता है यहाँ पे ये यह p बाई फोर आ रहा है और उसकी वैल्यू क्या है pd pd पी डी इक्व टू पी बाई फोर की बनाए हमें और हमें बोला गया है स्ट्रेंथ ऑफ वन रिवेट इन सिंगल शेयर इज पी जो क्या है पी ही है p इक्वल टू पी तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से pd डी इक्व टू फोर टाइम पी एस पी डी इक्व टू फोर टाइम पी आई होप ये आपको समझ में आया होगा मूविंग टू द सेकेंड क्वेश्चन इसमें पूछा गया है द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एयर पोल्यूशन कंट्रोल मकैनिज्म इज गिवन बिलो एयर पोल्यूशन जो कंट्रोल डिवाइसेज होते हैं आपको आपने पढ़ी होंगी पांच कंट्रोल डिवाइस होती हैं उसमें से एक के बारे में यहाँ पर पूछा गया है कुछ करेक्टिस्टिक्स गिवन है बोला गया है यूजिंग इलेक्ट्रिकल फोर्सेस टू मूव द पार्टिकल्स आउट ऑफ द फ्लोइंग गैस स्ट्रीम ऑन टू कलेक्टर प्लेट्स ये क्या कह रहा है इलेक्ट्रिकल फोर्सेस बोल रहा है और द पार्टिकल्स ऑफ द फॉलोइंग फ्लोइंग गैस स्ट्रीम ऑन टू कलेक्टर प्लेट्स तो आपको इसी से आइडिया हो जाना चाहिए ये किसकी बात कर रहा है इलेक्ट्रोस्टेटिक प्रेसिपिटेटर के बारे में इसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बना रखी है ये आप वीडियो या तो आप आई सेक्शन पे जाके ऊपर से देख सकते हैं या फिर आप सेपरेटली वी प्लस यू यूट्यूब चैनल पे भी आप दे सकते हैं जिसमें मैंने पाँच के पाँच जो हमारे कंट्रोल डिवाइस होते हैं उसके बारे में एक्सप्लन किया हुआ है तो इसका आंसर क्या होगा इलेक्ट्रोस्टेटिक प्रेसिपिटेटर

पॉसिबल रिवर्सिबल ऑफ स्ट्रेस है तो आपकी लेमडा की वैल्यू कितनी हो जाएगी थ्री फिफ्टी थ्री फिफ्टी आपकी लेमडा की वैल्यू हो जाएगी और लैमडा क्या होता है एल इफेक्टिव डिवाइड बाई आर मिनिमम आर मिनिमम तो हमसे पूछा गया है मैक्सिमम परमिशिबल लेंथ आर मिनिमम जब आप कैलकुलेट करोगे फॉर सर्कुलर सेक्शन इट विल बी आई मिनिमम डिवाइड बाई ए आई मिनिमम डिवाइड बाई ए आई मिनिमम इज इक्वल्स टू फाइव बाई डी की पावर फोर वाइल ए इज़ पाई फोर सोल्व करने के बाद क्या आएगा इसका डी बाई फोर सोल्व करने के बाद आपको इसका आंसर मिलेगा डी बाई फोर यदि आप इसको इसके अंदर पुट करोगे थ्री फिफ्टी टाइम्स आर मिनिमम डिज यू एल इफेक्टिव एंड एल इफेक्टिव नाउ यू कैलकुलेटेड कैलकुलेटेड एज थ्री फिफ्टी टाइम्स इन टू डायमी एम एम एंड

एंड दिस इज अ बॉडी समज इन इट तो इसके लिए इक्लिबीरियम में है तो क्या कंडीशन फुलफिल होगी तो सिंपल है आप इसमें मेटा सेंटर का कोई कंसेप्ट नहीं आएगा वी ऑल रेडी नो मेटा सेंटर इज नॉट अ कंसेप्ट हेयर इज अबाउ देंटर ऑफ वेन्सी ये ऑप्शन गलत है क्योंकि फ्लोटिंग बॉडी के लिए मेटा सेंट्रिक मेटा सेंटर मायने रखता है ना कि आपकी समझ बॉडी के लिए सो अगेन इन सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज अबाउ देंटर ऑफ वेन्सी ये भी गलत है यदि आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर होगा और सेंटर ऑफ ब्योन्चे से होगा तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम नहीं होगा आप ऐसे याद कर सकते हैं आ, ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा जो क्योंकि आप ऐसे फन फैक्ट है आप ऐसे याद कर लीजिए जो बी है बड़े लोग जो होंगे वो हमेशा ऊपर रहेंगे बड़े लोग से मतलब ज़्यादा पैसे वाले लोग हमेशा ऊपर रहेंगे और गरीब लोग जो होंगे वो हमेशा नीचे रहेंगे जी से गरीब बी से बड़े आप ऐसे भी याद कर सकते हैं तो इसका आंसर पॉसिबल अब तो मैंने बोल ही दिया है तो सेंटर ऑफ ग्रेविंसी इज अबो देंटर ऑफ ग्रेविटी ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर्थ फिफ्थ सॉरी इसमें बोला गया है अर इन फोर्स कंक्रीट बीम इज सब्जेक्टेड टू द फॉलोइंग बेंडिंग मूवमेंट आपको दिया गया है बेंडिंग मूवमेंट ड्यू टू डेड लोड 60 किलो न्यूटन मीटर लाइव लोड के लिए दिया गया है एंड सिस्मिक लोड के लिए दिया गया है डिजाइन बेंडिंग मूवमेंट आपको बताना है हमें पता है डायरेक्टली फॉर्मूले से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं सो so, यदि इसको कैलकुलेट करें यदि हम तीनों तीनों लोड को कंसिडर करें इट विल बी वन टाइम्स ऑफ डेड लोड लाइव लोड एंड द दिज्मिक लोड और इट विल बी वन टाइम्स ऑफ डेड लोड प्लस में लाइव लोड डेड लोड प्लस में लाइव लोड और 1.5 टाइम्स ऑफ डेड लोड प्लस में सिज्मिक लोड आप इन तीनों को सोल्व करके जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो आपका क्या होगा आंसर होगा इसको सोल्व करें यदि हम 1.2 पॉइंट टू टाइम्स ऑफ सिक्सटी प्लस नाइन्टी प्लस थर्टी दिस विल टाइम्स ऑफ़ वन 180 दिस विल बी 180 एट्टी एंड दिस विल गिव जस टू हंड्रेड सिक्सटीन मीटर टू हंड्रेड सिक्सटीन मीटर यदि सेकेंड को सोल्व करें वन पॉइंट फाइव टाइम्स ऑफ डेड लोड हमारे पास 60 लाइव लोड 90 सो इट विल विल बी बी 150 टाइम्स ऑफ 225 225 एंड दिस विल बी टाइम्स ऑफ प्लस थर्टी दिस विल बी 90 प्लस फोर्टी डेट इज़ वन थर्टी फाइव किलोमीटर मीटर तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा होगा मैक्सिमम ऑफ दी दबोव लोड तो मैक्सिमम क्या होगा टू ट्वेंटी तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सिक्स इसमें क्या गिवन है इसमें बोला गया है हमें रिकमेंड करना है द रिकमेंडेड वैल्यू ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बतानी है आपको एंड वाटर एब्जॉर्ब फॉर हैवी ड्यूटी बंट ब्रिक्स हैवी ड्यूटी बंट क्ले ब्रिक्स फॉर ऑफ आई एस क्लास फोर हंड्रेड एज पर कोड एज पर आई एस टू वन एट जीरो तो हमें पता है फॉर हैवी ड्यूटी बंट कलेब्रिक्स के लिए जो आपकी स्ट्रेंथ जो होती है वो मिनिमम फोर्टी न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर होती है फोर्टी न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर होती है और वाटर एब्ज जनरली फाइव परसेंट से ज़्यादा नहीं होता तो आपको पता है स्ट्रेंथ मिनिमम फोर्टी न्यूटन तो ऑप्शन में देखेंगे ये ऑप्शन पॉसिबल नहीं है ये भी पॉसिबल नहीं है अब आपके पास ऑप्शन ये पॉसिबल है या फिर ये पॉसिबल है इसमें फिफ्टी तक बोला गया है लेकिन हमें बोला गया है फोर्टी से ज्यादा होती है और वोटर एब्जॉर्प्शन इसका ट्वेंटी परसेंट तक की लिमिट है लेकिन यहाँ पर टेन परसेंट की हमारे पास लिमिट देखने को मिल रही है तो इस इस पॉइंट ऑफ व्यू से इसका आंसर क्या होगा डी ऑप्शन होगा आई होप ये समझ में आया होगा मूविंग टू द सेवन क्वेश्चन सेवन क्वेश्चन में आपको बतानी है द मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ शेयर इन्फोर्समेंट मेजर्ड अलोंग द एक्सिस कंक्रीट बीम ऑफ विथ्थ थ्री हंड्रेड एम एम एंड इफेक्टिव डेप्थ फाइव हंड्रेड एम एम आपको क्या गिवन है दिस इज यूर बीम देन इफ दिस इज द र इनफोर्समेंट आपको गिवन है डेप्थ इफेक्टिव डेप्थ एंड द विथ ऑफ दिस एक्शन विथ ऑफ सेक्शन विर्थ है गिवन आपको 300 हंड्रेड एम एंड इफेक्टिव डेप्थ गिवन है आपको 500 हंड्रेड mm. 500 एम mm. एम आपको बतानी है इसकी स्पेसिंग सिंस हमारे पास कोई भी डाटा गिवन नहीं है मतलब शेयर की वैल्यू भी नहीं गिवन है तो आप यहाँ से टाव वगैरह नहीं निकाल सकते तो ये इस पॉइंट इस क्वेश्चन इस के अंदर ये कंसेप्ट नहीं यूज होगा या फिर आप मिनिमम स्पेसिंग जो निकालते हैं मिनिमम डिनफोर्समेंट के लिए वो भी नहीं यूज होगा तो हम यूज करेंगे एस मिनिमम शुड नॉट बी ग्रेटर देन फर्स्ट इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन द इफेक्टिव डेप्थ सेकेंड इट शुड नॉट बी ग्रेटर दैन द्री हंड्रेड एम एम दिस इज फॉर द इंक्लाइंड बार बट यू कैन टेक इट फॉर वर्टिकल बार ऑल्सो क्योंकि इसमें कुछ भी बताया नहीं गया है कि स्टीरप्स वर्टिकल है या फिर इंक्लाइंड है यदि इवन आप वर्टिकल स्टीरअप्स मानते हो जिसके लिए स्पेसिंग का क्राइटेरिया जीरो पॉइंट सेवन फाइव डी उससे यदि आप सोल्व करोगे थ्री बायर टाइम हंड्रेड इट विल कम्स आउट टू बी स्टिल इट कम्स आउट ग्रेटर दैन थ्री हंड्रेड एम एम सो पॉसिबल आंसर किसका इसका क्या होगा ओनली थ्री हंड्रेड एम एम ओनली थ्री हंड्रेड एम मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर एट इन क्वेश्चन नंबर एट अ क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ टू मीटर इज़ पार्टली फिल्ड विद ऑयल ऑफ रिलेटिव डेंसिटी जीरो पॉइंट एट डेप्थ ऑफ टैंक है आपकी टू मीटर डेप्थ ऑफ टैंक कितनी है टू मीटर इफ़ दिस इज योर इफ़ दिस इज द टैंक इसकी डेप्थ है टू मीटर जिसके अंदर एक मीटर तक फ्लूड फील्ड है जिसकी विस्कोष्टी जीरो पॉइंट एट है जी एस आपको जीरो पॉइंट एट गिवन है एंड इसकी डेप्थ गिवन है आपको वन मीटर इज सब्जेक्टेड टू एन एयर प्रेशर ऑफ ट्वेंटी अबो द ऑयल यहाँ पर प्रेशर कितना है एयर का डेट इज ट्वेंटी न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर ट्वेंटी न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर आपको क्या बताना है टोटल प्रेशर एट द बॉटम ऑफ द टैंक एट दिस पॉइंट व्हाट विल बी द प्रेशर तो प्रेशर क्या होगा पी एटमोस्फेरिक प्रेशर प्लस गामा या फिर जी एस गामा डब्ल्यू इन एच इन टू एच इसको सोल्व करके जो आंसर आएगा वो हमारा फाइनल आंसर होगा डेट यदि सोल्व करें इसको तो ये आएगा ट्वेंटी प्लस जीरो पॉइंट एट टाइम्स ऑफ वन इन सिंस आपको यूनिट गिवन है टेन थाउजेंड तो ये आप डायरेक्टली लिख सकते हैं टेन थाउजेंड या फिर आप इसको ऐसे लिख लीजिए टेन थाउजेंड कितने टेन किलोमीटर पर मीटर क्यूब या पर मीटर स्क्वेयर एक्चुअली ये यहाँ पर मीटर क्यूब आएगा टोमीटर पर मीटर क्यूब इसको सोल्व करने के बाद आपको मिल जाएगा एट्टी किलो सॉरी इसको सोल्व करने के बाद मिल जाएगा आपको ट्वेंटी प्लस एट डेट इज ट्वेंटी एट किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वेयर ट्वेंटी एट पर मीटर स्क्वेयर तो इसका आंसर क्या होगा सी ऑप्शन मूविंग टू द नाइन्थ क्वेश्चन आपको बोला गया है प्लेट गडर इंटरमीडिएट वर्टिकल स्टिफनर्स आर प्रोवाइडेड टू सेफ गार्ड जो इंटरमीडिएट स्टिफनर्स प्रोवाइड करते हैं यदि मैं यदि मैं इसका लाइन डायग्राम बनाऊं यदि इसका लाइन डायग्राम देखें तो ये कुछ इस तरीके से होगा यदि यहां पर आपको यदि यहां पर प्लेट यूज की जाए या फिर एक एंगल सेक्शन यूज किया जाए ये आपका एंगल सेक्शन है सिमिलरली यहां पर एक इंटरमीडिएट स्टिफनर और है तो आपसे पूछा गया है कि ये इंटरमीडिएट स्टिफनर जो है इंटरमीडिएट वर्टिकल स्टिफनर आर प्रोवाइडेड टू सेफ गार्ड ये क्या इंश्योर करते हैं क्या इंश्योर करते हैं तो आप देख सकते हैं यदि इंटरमीडिएट स्टिफनर नहीं प्रोवाइड करेंगे तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है ये आ, ये जो मेंबर्स हैं मेनली शेयर कैरिंग करते हैं ये मेंबर क्या करते हैं शेयर कैरी करते हैं और ये बकलिंग से भी प्रिवेंट करते हैं क्योंकि जब लोड बहुत ज़्यादा होता है तो टेंडेंसी होती है कि सेक्शन बकल करे तो ये बकलिंग को भी प्रिवेंट करते हैं तो ये क्या करते हैं इंक्रीजिंग सेल्फ वेट ऑफ द प्लेट गर्डर दैट इज रॉन्ग वेब अगेंस्ट शेयर बकलिंग स्ट्रेस सेफ गार्ड द वेब अगेंस्ट शेयर बकलिंग स्ट्रेस ये कुछ ठीक लग रहा है मूविंग टू द थर्ड ऑप्शन ट्रांसफर कंसनट्रेटेड लोड ऑन गर्डर टू द वेब जो गर्डर पे जो लोड है यहाँ पे जो गडर पर लोड है क्या ये वेब को ट्रांसफ़र करते हैं नहीं ये गडर को जो लोड है वो डायरेक्टली बॉटम पे ट्रांसफर आएंगे बॉटम फ्लैंस पे ना कि वेब के ऊपर तो ये भी ऑप्शन क्या आपका रोंग है प्रोवाइड वेब अगेंस्ट बेंडिंग बकलिंग स्ट्रेस ये भी आपका ठीक ऑप्शन है बेंडिंग से जो बकलिंग जो होती है वेब बकलिंग प्रिवेंट करता है लेकिन बहुत जो इफेक्टिव आंसर जो होगा इसका क्योंकि शेयर बहुत ज़्यादा होता है वेब के अंदर सारा शेयर वेब ही डील करते हैं तो इसके लिए इफेक्टिव जो करेक्ट जो आंसर है इट विल बी आवर ऑप्शन बी सो इट्स आंसर विल बी ऑप्शन बी मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इन दिस क्वेश्चन इट इट इज बींग आस्ट दैट इन इन डीलिंग विद द प्रॉब्लम्स ऑफ एयर पोल्यूशन ग्रेविटेशनल सेटलिंग चैम्बर अर्जेंटली यूज टू रिमूव लार्ज एवरेजिव पार्टिकल्स फ्रॉम लार्ज एवरेजिव पार्टिकल्स फ्रॉम तो ये बेसिकली गैस स्ट्रीम्स होते हैं जिससे वो रिमूव करते हैं स्टैक पॉसिबल नहीं है इस ट्रांसफर क्योंकि स्टैक जो चिमनी का जो स्टैक होता है उससे हम ग्रेविटेशनल सेटलिंग चैम्बर का कोई लेना देना नहीं है मतलब कि उसमें पार्टिकल्स जो होते हैं स्टैक के अंदर वो डायरेक्टली हम डील नहीं कर सकते हमें जो ग्रेविटेशनल सेटलिंग चैम्बर है उसके लिए अलग डिवाइस रहती है जिससे गैस स्ट्रीम पास करेंगे तो वो उसके पार्टिकल्स को रिमूव कर देती हैं तो इस ट्रांसफ़र क्या होगा ऑप्शन बी मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर इलेवन इसमें पूछा गया है आपसे डायरेक्टली आइडेंटिफाई द एयर पोल्यूटेंट विच इज नॉट प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट से, से कौन सा एयर पोल्यूटेंट नहीं निकलता तो इसका ऑप्शन देखोगे तो डायरेक्टली आंसर है ऑप्शन बी नेक्स्ट क्वेश्चन इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है वाटर फ्लोज फ्लोस विद फ्लोज फ्लो रेट ऑफ जीरो पॉइंट फाइव क्यूमेक आपको क्या दिया है डिस्चार्ज गिवन है इधर थ्रू अ पाइप ए बी ऑफ लेंथ गिवन है ट्वेल्व मीटर पाइप की लेंथ गिवन है ट्वेल्व मीटर हैविंग यूनिफॉर्म प्रोसेक्शन प्रोसेक्शन क्या है यूनिफॉर्म गिवन है द एंड बी ऑफ द पाइप इज ए इफ दिस इज योर एंड बी एंड दिस इज योर एंड ए एंड दिस इज लाइंग डाइग्राम और ये आप ऐसे समझ सकते हैं या फिर आप ऐसे समझ सकते हैं यह आपकी पाइप है कंसिडर दिस इज योर पाइप इग्नोर द डाइग्राम प्लीज मेरी राइटिंग थोड़ी खराब है ये आपकी पाइप है ये आपका डैटम प्वाइंट है आपको बोला गया है जो द एंड ऑफ द पाइप इज अबाउ द एंड ए एंड द पाइप मेक्स एन एंगल ऑफ थर्टी डिग्री टू द होरिजोनटल तो ये एंगल बना रही है थर्टी डिग्री टू दरिजोंटल दिस एंगल इज थर्टी डिग्री फॉर प्रेशर ऑफ ट्वेंटी किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वेयर एट एंड बी यहाँ पर प्रेशर कितना गीवन है ट्वेंटी किलोन्यूटन पर मीटर स्क्यर इसको पी भी बोल सकते हम ट्वेंटी किलो न्यूटन पर मीटर स्क्यर पर मीटर स्केयर द क्रोस्पॉन्डिंग प्रेशर ऐट एंड ए पूछा आपसे ऐट एंड ए यहाँ पर आपको पी ए की वैल्यू बतानी है क्या होगी तो आप सिंपली आप इसको सिंपली सोल्व कर सकते हैं कैसे आप बर्नोली इक्वेशन से इसको सोल्व कर सकते हैं एज्यूमिंग लॉस विल बी जीरो आप हेड लॉस जीरो मान के इसको सोल्व कर सकते हैं कैसे पी ए शुड बी टू पी ए बी क्योंकि इसका जेड जीरो है और इसका जेड की वैल्यू क्या होगी ये जेड वैल्यू हो जाएगी क्योंकि आपकी लेंथ ट्वेल्व मीटर गिवन है लेंथ ऑफ पाइप इज ट्वेल्व मीटर तो ये लेंथ हो जाएगी ट्वेल्व टाइम्स ऑफ साइन थर्टी ट्वेल्व टाइम्स ऑफ साइन थर्टी जो कि हो जाएगा सिक्स मीटर सिक्स मीटर सो पी ए बायामा इज इक्वल टू पी बाई पी बी बाइगामा प्लस जेड बी सिंस वेलोसिटी एट पॉइंट ए इक्वल टू पॉइंट बी है डेट इज़ वीक्वल्स टू वी बी सिंस हमारे पास यूनिफॉर्म प्रोसेक्शन गिवन है तो ये आप डायरेक्टली सोल्व कर सकते हैं तो क्या हो जाएगा पी बी प्लस टाइम्स जेड बी टाइम्स गामा इसको सोल्व करने से आपका फाइनल आंसर जो आएगा पी बी हमें गिवन है ट्वेंटी किलोमीटर पर मीटर स्क्वेयर प्लस जेड हमें पता है सिक्स एंड गामा इज टेन गामा की वैल्यू टेन हम एज्यूम या फिर ले सकते हैं गिवन है given हमें तो इसका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 80 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब फाइनल आंसर विल बी 80 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर सो इस आंसर विल बी डी ऑप्शन इस आंसर विल बी टू ऑप्शन मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है इफेक्टिव लेंथ ऑफ अ स्टील कॉम्प्रेशन मेंबर ऑफ लेंथ रिस्ट्रेंड अगेन ट्रांसलेशन एंड रोटेशन एट वन एंड ये आपको बोला गया है ट्रांसलेशन एंड रोटेशन एट वन एंड वाई द अदर एंड ईजेंड अगेन ट्रांसलेशन एंड नोटेंड अगेन रोटेशन तो आपका यह क्या है एक हिन्सपोर्ट है तो so, इसकी इफेक्टिव लेंथ क्या होती है हमारे पास जीरो पॉइंट एट टाइम्स ऑफ एल जीरो पॉइंट एट एल तो इसका डायरेक्टली ऑप्शन ए आ जाएगा बाय द वे यदि फिक्स हो जाता है ये तो so, ये भी जीरो पॉइंट सिक्स फाइव एल हो जाता यदि सॉरी uh, हो जाता तो जीरो पॉइंट सिक्स फाइव एल यदि दोनों एंड हिंज हो जाते हैं तो इसकी इफेक्टिव लेंथ एल हो जाती सो आई होपे आपको समझ में आया होगा मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन काफी ईजी क्वेश्चन था ऊपर वाला वो टेक्स फ्लो ऑफ इोटेशनल मोशन विदाउट एनी एक्सटर्नल टोर्क आपको बाहर से कोई टॉर्क नहीं मिल रहा देन रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मूवमेंटम विल बी सिंस आपको गीवन है इोटेशनल फ्लो है और एक्सटर्नल टॉर्क भी कोई एक्ट नहीं कर रहा ंग दैट एम वी आर विल बी कॉन्स्टेंट एम वी आर की वैल्यू क्या होगी कॉन्स्टेंट होगी तो आपसे पूछा गया है द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम मस्ट बी द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम मस्ट बी तो ये क्या होगा आपका आंसर जीरो योर ऑप्शन विल बी जीरो सो दिस इज अवर फोर्टीन नंबर क्वेश्चन इन फिफ्टीन नंबर क्वेश्चन डायरेक्टली आपसे पूछा गया है पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर स्टील एंड कंक्रीट सो वी नो डेट स्टील इज मैनुफैक्चर्ड इन द लेबोरेटरी सो इट्स सेफ्टी फैक्टर इज टेकन एज लेस वन पॉइंट वन फाइव वाइल द कंक्रीट इज मैनुफैक्चर्ड इन द फील्ड इट सेल्फ या फील्ड में ही आप इसको प्रिपेयर करते हैं तो इसका फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होगा वन पॉइंट फाइव तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा ऑप्शन नंबर बी मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दिस इज अवर सिक्सटीन नंबर क्वेश्चन इसमें आपसे पूछा गया है अ स्टील बिल्टअ अप ऑफ कॉलम्स इज सब्जेक्टेड टू एन एक्जियल फोर्स ऑफ टू थाउजेंड किलोन्यूटन फोर्स की वैल्यू आपको गिवन है टू थाउजेंड किलोन्यूटन आपसे पूछा गया है द लेसिंग सिस्टम टू बी डिजाइंड फॉर रजिस्टिंग ट्रांसफर शीयर ऑफ तो आप डायरेक्टली लेसिंग सिस्टम को किस चीज़ के लिए डिजाइन कर सकते हैं इस ये डिजाइन करते हैं टू पॉइंट फाइव परसेंट ऑफ एक्जियल लोड टू पॉइंट फाइव परसेंट ऑफ एक्सल लोड तो इसको सोल्व करने के बाद जो आंसर आएगा विल बी अवर फाइनल आंसर वो आएगा हमारे पास फिफ्टी किलोन्यूटन दैट इज फिफ्टी किलोन्यूटन इसके अंदर आप ये पुट करोगे तो आएगा आपके पास फिफ्टी किलो नीटन आई होप ये एक ईजी क्वेश्चन था जो सबका होना चाहिए पेपर के अंदर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वेब क्रिपलिंग इन आई सेक्शन स्टील बीम ओकर्स एट द पॉइंट वेयर वेब क्रिपलिंग कहाँ पर होता है तो वेब क्रिपलिंग यदि आप इफ दिस इज योर स्टील बीम इफ दिस इज योर स्टील बीम देन वेब क्रिपलिंग यहाँ पर सबसे ज्यादा पॉइंटेड होते हैं सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं क्योंकि जो लोड है वो डायरेक्टली वेब के ऊपर एड करता है और इसके फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं कुछ इस तरीके से फेलियर जो होता है कुछ इस तरीके से होता है बकलिंग नहीं है ये क्रिपलिंग है दिस इज कॉल्ड क्रिपलिंग ंग और यह क्यों होता है बिकॉज ऑफ कंसनट्रेटेड लोड बिकॉज ऑफ कंसनट्रेटेड लोड बिकॉज ऑफ कंसनट्रेटेड लोड तो इसका ऑप्शन क्या होगा आंसर इस आंसर विल भी ऑप्शन ए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है एज पर न्यूटन स्लो ऑफ विस्कोस्टी एज पर न्यूटन स्लो ऑफ विस्कोस्टी द शियर स्ट्रेस एक्टिव बिटवीन टू लेयर्स ऑफ फ्लूड फ्लूड की अब आपको अच्छे समझ में आएगा इफ़ दिस इज अवर डी गामा एंड दिस डिस्टेंस इज डी वाई तो ये डिस्टेंस कितना होगा क्योंकि तो ये डी वी वेलोस्टी से ज़्यादा तेज काम कर रही है तो ये हो जाएगा आपका डी वी टाइम्स डी टी डी वी टाइम्स डी टी तो जब शेयर स्ट्रेस फॉर्मूला जो है शेयर स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू डेट ऑफ चेंज ऑफ शेयर स्टेन डी गामा बाई डी टी और डी गामा की वैल्यू आप लिख सकते हैं डी वी डी टी डिवाइड बाई डी वाई टाइम्स ऑफ डी टी ये डी टी एज इट इज एंड ये आप डी गा से हो डायरेक्टली लिख सकते हैं तो डी टी से डी टी कैंसिल डी टी से डी टी कैंसल और इससे आप यह डी टी से डी टी कैंसिल हो जाएगा आपका और इससे मिल जाएगा डी वी बाई डी वाई डी वी बाई डी वाई तो टाव किसका प्रपोशनल आया रेट ऑफ चेंज ऑफ डी वी बाई डी वाई तो आप यहां से डायरेक्टली लिख सकते हैं इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन दैन क्योंकि डी जो है डिनोमिनेटर uh, में आपका आ रहा है तो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन दैन इट्स ऑप्शन विल बी सी डी ऑप्शन मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है फोर ये डायरेक्ट प्रोविजन है कोड का फोर टू वे कंटिन्यूस बीम हैविंग स्पेन लेस देन थ्री पॉइंट फाइव मीटर विद स्ट्रेंथ डिफोन बार ऑफ अ एफ फ्री फाइव वन four grade spent to overall depth ratio of slab to satisfy the vertical deflection limit for loading class up to 3 kN per meter square to so, iska answer direct yaad rakhiye 32 answer hai iska 32 direct provision of code ka moving to the next question 21st number question and last question इसमें पूछा गया है, identify the one which does not belong to the category of secondary air pollutant

और यदि अभी भी कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं मैं उस पर रिप्लाई ज़रूर दें थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो हैव ए नाइस डे